तो यार अगर आप लोग कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी अगर खरीदने जा रहे हैं तो डीलर्स की बातों में नहीं आना है आपको। गाड़ी एक्सीडेंटल हो सकती है, टायर कैसे चेक करें, इंजन कैसे चेक करें, बैटरी हेल्थ वगैरह अंदर से लेके बाहर तक आप खुद गाड़ी 5 मिनट के अंदर आप पूरी गाड़ी चेक कर सकते हैं कि इसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, इसका डोर वगैरह ग्लास वगैरह चेंज तो नहीं है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आप किसी भी डीलर से गाड़ी खरीद रहे हैं या किसी भी पर्सन से गाड़ी खरीद रहे हैं तो ये पॉइंट्स आप खुद चेक करें गाड़ी लेने से पहले। तो पहली चीज़ आपको क्या चेक करनी है, गाड़ी के अंदर ये जो चारों डोर्स के ना ये जो रबड़ लगी आती है इसको जस्ट आपको थोड़ा सा ऐसे खींच के नीचे निकालना है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि यहाँ पे जो कट्स दे रखे हैं और ये कुछ इस तरीके की फिनिश आपको यहाँ देखने को मिलेगी थोड़ा, तो ये जो फिनिश है ना ये सिर्फ कंपनी से ही गाड़ी का जब ये चेचिस और ये बनती है ना मॉडल तभी ये आता है। तो आपको चारों डोर्स के सबसे पहले ये रबड़ की मोल्डिंग इसमें हटानी है और चेक करनी है, जिससे पता लगेगा गाड़ी का कोई चेचिस वगैरह या फिर गाड़ी पलटी तो नहीं खाई है, यहाँ पे कभी डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं हुई है। सेकंड आपको क्या करना है, गाड़ी के जो डोर्स होते हैं उन डोर्स को आपको क्लोजली ये नोटिस करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर इस डोर की डेंटिंग पेंटिंग हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा जंग भी आ रहा है और इसकी फिनिश एकदम बेकार है। जबकि कंपनी से जो गाड़ी आती है ना उसकी फिनिश कुछ इस तरीके की होती है, जो कि आपको चारों डोर चेक करने। इससे क्या होता है, आप किसी भी बायर को या फिर सेलर से आप नेगोशिएट कर सकते हैं, यार आपकी गाड़ी में यहाँ डेंटिंग पेंटिंग क्यों हुई है, किस वजह से आप सेल कर रहे हो, तो एक अपने पास प्लस पॉइंट बनता है नेगोशिएट करने के लिए। सेकंड चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, थर्ड चीज़, टायर्स में काफ़ी सारे डीलर्स क्या आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, गाड़ी के एकदम टायर तो नए हैं जबकि वो क्या करते हैं कटिंग वापस करवा देते और टायर को एकदम नया जैसा बना देते। लेकिन आपको चेक कैसे करना है, टायर को आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक कोड लिखा रहता है, तो अभी इसका कोड है 1623। 1623 कोड ये दर्शाता है कि 16वां सप्ताह, एक साल में 52 सप्ते होते, 16वां सप्ताह आता है अप्रैल के अंदर, तो ये जो टायर है ना ये अप्रैल 2023 का है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग ये टायर एक साल पुराना है, 6 महीने पुराना है, ताकि इससे क्या आपको पता लगेगा यार टायर अगर 3 या 4 साल पुराना है तो डेफिनेटली वो नया तो नहीं है, उसको बस बनवा के आपको डीलर बेवकूफ बना रहा है। और भी आपको क्या चेक करना है, इंजन बोनट पार्ट में आपको गाड़ी का बोनट ओपन करना है और इसके बाद आपको चेक करना है जस्ट ये जो चीज़ें होती है ना रबड़ की, इसको हटाना है। और हटाने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसके बोल्ट पे ना एक ये येलो कलर का निशान है, तो और एक ये यहाँ पे वाइट कलर का एक छोटा सा निशान है। तो हमेशा कंपनी फिटेड जो भी पार्ट्स कंपनी से आएंगे ना, गाड़ी 7 साल पुरानी हो 10 साल पुरानी हो, ये निशान नहीं हटेंगे। इसका मतलब है अभी तक इस गाड़ी के सस्पेंशन आफ्टर मार्केट चेंज नहीं हुए, कंपनी से आए थे वो ही है। और आपको क्या चीज़ चेक करनी, ये जो इसका ये आता है ना बोनट का जो ये पार्ट है, इसमें कहीं भी आपको रस्टिंग वगैरह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी जो ठुकती है हमेशा आगे से अगर बोनट ठुकता है और कभी हैवी इंपैक्ट से अगर ठुकी हो तो लगभग यहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग का वर्क हुआ होता है, जो कि मैंने बताया उसमें रस्टिंग आ जाती है। तो हमेशा इनका जो कलर है ना, तो ये बॉडी कलर से हमेशा सेम रहेगा। गाड़ी में आपको ये जो लीवर दिखता है ना ऑयल का, इसको आपको निकालना है, गाड़ी को स्टार्ट करनी है और आप एक्सेलरेट करेंगे तो इसके अंदर से ऑयल बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए, ना ही ऑयल ना ही वाइट कलर का स्मोक इससे बाहर आना चाहिए। डीजल गाड़ी में हो सकता है 2 या 4-5 छींटे इसमें आ जाए, लेकिन ये इसमें नहीं आना चाहिए, आप इसको अवॉइड करें अगर किसी भी सेकंड हैंड गाड़ी में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, गाड़ी के जो ग्लास होते हैं ना, यहाँ ग्लास में एक छोटा सा कोड लिखा रहता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये 43R2801, ये आपको हर ग्लास का चेक करना है। ये छोटे से छोटे ग्लास का भी आप चेक करोगे ना, गाड़ी के सारे ग्लास का कोड ये सेम रहेगा। गाड़ी का अगर ये विंडशील्ड वगैरह या फिर कोई भी डोर में अगर कभी इम्पैक्ट आया हो, चेंज हुआ है, तो ये कोड चेंज होगा। तो इससे आप बायर को पूछ सकते हैं भाई गाड़ी कहाँ एक्सीडेंट हुई, गाड़ी का कांच क्यों चेंज है। और मैं आपको एक और चीज़ नोटिस करने वाली बता देता हूँ, आप इधर भी सस्पेंशन में चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक येलो डॉट इसके बोल्ट में दिखेगा। कंपनी से अगर जो भी आपकी ना ये व्हील्स आएगा कंपनी में, उसमें भी आपको एक ब्लू रेड या येलो कलर के यहाँ डॉट्स देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर कंपनी का ही टायर है जो कि गाड़ी के साथ आया था 5 साल पुराना, जैसे इसमें स्टेपनी लगी है, तो उसमें भी एक आपको यहाँ रेड डॉट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेने से पहले चेक कर सकते हैं और डीलर्स आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आप इस तरीके से बच सकते हैं।